आज की शाम जो कि संगीत एवं नृत्य से सजी हुई होगी, आज की इस शाम में सबसे पहले प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ काशी की विख्यात कंठसालिका गायिका गुरु विदुषी श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी को, जिनका नाम काफी है उनकी पूरी पहचान बताने के लिए। एक समृद्ध जीवन नृत्य की एक समृद्ध कलाकार, सशक्त गुरु, और जब हम उपशास्त्रीय अंग की बात करें, जब हम बनारस की होली की बात करें, जब हम ठुमरी की बात करें, जब दादरा की बात करें, तो हर एक नाम जो हमारे जहन में अपने आप आता है वो आदरणीय श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी का नाम है। मैं बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी से कि आप मंच पर आए, उनको तबला सहयोग प्रदान करेंगे आदरणीय पंडित ललित कुमार जी, संवादिनी पर सहयोग प्रदान करेंगे श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। जितने भी लोग बैठे हैं मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया कलाकार का मानवंदन करने के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे और उनका मानवंदन कीजिए, क्योंकि मंच पर औपचारिक रूप से लोग जरूर माला पहनाते हैं, लेकिन आप जब वहाँ बैठे हैं तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपकी तालियां ही एक कार्यक्रम को चार चांद लगाती है और कलाकार का मान वर्धन करती है। 22 फरवरी से आरंभ हुआ है सरस मेला, जो कि आगामी कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहेगा और हर शाम हम अनेक कलाकारों को देखेंगे, सुनेंगे, अलग अलग विधा के गायन, वादन, नृत्य, बिरहा, कठपुतली नृत्य जैसे हमारे बहुत ही प्रिय संगीत के विधा एवं कलाकारों को, उनसे जुड़े कलाकारों को हम देखेंगे, सुनेंगे और उनकी विधा को भी देखेंगे। ये एक माध्यम होता है जब हम दिन भर की अपनी थकान को मिटा सकते हैं, कहते हैं संगीत, और वो भी हमारे मन का संगीत, वो हर एक जख्म पर मरहम का काम करता है। तो हम किसी भी शाम को इकट्ठे होते हैं, देखने के प्रदर्शन उत्पादों को देखना और प्रदर्शन के बाद उसमें बहुत सारे लोग जो उत्पाद हैं उनको खरीदते हैं, घर में जाते हैं, ये स्वदेशी चीज़ें हैं। इसी कड़ी में हर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, आज के कार्यक्रम की पहली कड़ी है हमारे साथ मंच से जुड़ने जा रही है आदरणीय श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी, मंच पर है आदरणीय पंडित ललित कुमार जी एवं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, समर्पित होने जा रहा है मंच कलाकारों को। आइए गायन सुनते हैं, माध्यम बनती है श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी। बहुत अच्छा आपने
सुमन पांचा जी हैं, मैं उनको भी बहुत आभार हूँ कि आज इस कार्यक्रम में अपने साथ शामिल हुए और सारे दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सुनी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और एक छोटे से खंड से शुरुआत Yeah.
Thank you.
के और चीजी तो नहीं है हमारे बनारस के रखवा में, तो क्यों ना इसी धुन से उनकी पूजा की जाए। Yeah.
Mora.
और एक बोली
एक होली है जो राधिका जी का होली है। बहुत दिन के
बाहर का आएंगे ना भैरवी से अंत करेंगे, भैरवी से अंत करेंगे ना। नहीं भैरवी से अंत नहीं करेंगे, उनको मैं सुना कर उसके पास में कब से चाहे मन लगा रहा ठीक है वही बोल रहे
सही मायने कितनी सारी चीज़ों को सुन रहे थे। दादरा हमने सुना, हमने सबसे पहले ठुमरी सुनी, फिर हमने दादरा सुना, फिर ये मौसम है बोरी का हमने बोरी सुना, कबीर गायन सुना। एक कलाकार बहुमुखी प्रतिभा का धनी कलाकार कैसा होता है ये शायद आपने देखा माध्यम करता जी। मैं उनको मंच से प्रणाम करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ श्री दिलीप कुमार सोनकर जी से, उपायुक्त महोदय एवं आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव सर से, कि आप मंच पर आए एवं मंचस्थ कलाकारों को सम्मानित करें। हम जितनी बार जब जब सुनते हैं आदरणीय श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी को, उतनी बार शब्द बड़े नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं, भाव ऐसे चलता है मानो वो भाव से ही परिपूर्णित हो, और उनके गायन में इतना सुकून है। कहते हैं ना, संगीत सुकून देता है, शोर से शांति की ओर ले जाता है, और उसी कड़ी में जब हम सुचरिता गुप्ता जी को सुनते हैं तो हमारे हृदय को, हमारे चित्त को शांति मिलती है। अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान तबले पर सहयोग प्रदान कर रहे थे आदरणीय पंडित ललित कुमार जी। प्रस्तुति पूरी नहीं हो सकती है, तो एक कुशल सहयोगी अगर साथ में हो मंच पर तो अपने आप वो प्रस्तुति जो है वो निखर जाती है। और ऐसे ही पंडित ललित कुमार जी और माध्यमों पर सहयोग कर रहे थे श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। सभी कलाकारों को सरस मेला परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ, जिससे कि जो सुनने वाला है वो भी बड़े आराम से सुन सके, कार्यक्रम समय से हो सके, आज की अगली प्रस्तुति समूह नृत्य की प्रस्तुति है, लोक नृत्य है, और जो कलाकार हैं वो अपनी इस विधा के बड़े ही मचे हुए कलाकार हैं। वर्तमान में संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे बीच लोक नृत्य, समूह लोक नृत्य लेकर आ रही हैं सुश्री प्रियंका यादव, सुश्री प्रियंपदा तिवारी पौड्याल, सुश्री ऋचा पांडे, सुश्री सारिका स्वरूप एवं सुश्री अनुराधा कुमार। पहली जो प्रस्तुति है लोक नृत्य की वो है झिझिया लोक नृत्य। जो लोग मिथिलांचल से ताल्लुक रखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि झिझिया क्या है। झिझिया मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि दुर्गा पूजा यानी दशहरे के मौके पर लड़कियां जो हैं, खासकर कुंवारी लड़कियां, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कितनी खूबसूरत छटा है हमारे लोक संस्कृति की, कि जहां हम गांव से, ग्रामीण जीवन से, उसकी मिट्टी से जुड़ने का हमें मौका मिलता है और हम जुड़ते हैं। तो झिझिया एक ऐसी ही लोक विधा है, नृत्य की विधा है, जहाँ मिथिला की उस गुड़ सी मीठी भाषा में ऐसे ही लोक नृत्य की प्रस्तुति वहाँ की कुमारी लड़कियाँ सर पर जो है वो दिए रख के, बड़े बड़े दिए, जलते हुए दिए वो सर पर रखती हैं। तो ये दिखाता है कि नृत्य जो है वो बस ऐसे कर लेने की चीज़ नहीं है, अनुशासन की चीज़ है, संयम की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। तो आइए आज की पहली लोक नृत्य की प्रस्तुति झिझिया लोक नृत्य लेकर हमारे बीच आ रही हैं प्रियंका यादव जी, प्रियंपदा तिवारी पौड्याल जी, ऋचा पांडे जी, सारिका स्वरूप जी एवं अनुराधा कुमारी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर कलाकारों का, और आइए पहली प्रस्तुति में झिझिया लोक नृत्य देखते हैं। Thank you.
था कि ये मिथिलांचल के उस क्षेत्र का उस अंचल का बहुत ही लोकप्रिय लोकनृत्य है। अब अगली प्रस्तुति के लिए हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उस प्रदेश की ओर चलते हैं जहाँ रंग बसते हैं, रजवाड़े बसते हैं। आप समझ गए होंगे हम राजस्थान की ओर चलने की बात कर रहे हैं, राजस्थान की ओर चलते हैं। देखिए लोक विधा और लोक संस्कृति बहुत खूबसूरत है, जहाँ ये हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती है, वहीं हमें बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं, जो तीज त्यौहार हैं, जो आपस के भाव हैं एक दूसरे के, वो बताते हैं। अगली नृत्य की प्रस्तुति है टूटी बाजू बदली। तो ये क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, ये राजस्थान का है जैसा कि मैंने कहा, और इसमें नायिका अपने नायक के लिए इंतजार कर रही है। पहले के समय में ऐसा होता था कि नायक बाहर गया हुआ है काम से, और वहीं पे वो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत लंबे समय तक रहता था, कभी कभार घर आता था। मुझे पता है कि मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो डांस देखना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या करें, बताना भी ज़रूरी है जिससे आपको पता चले कि वो क्या रहा है स्टेज पर। तो यहाँ पर नायिका अपने नायक के लिए इंतज़ार कर रही है, वो बुला रही है, वो ईश्वर से मना रही है कि आ जाए, और उसमें उनकी लट्टी उलझ गई है। श्रृंगार का वैसे भी मन नहीं करता, वो श्रृंगार इधर से जो नथनी है वो खुल गई है, जो कान के झुमके हैं वो कहीं इधर उधर हो गए हैं, बालों की लटें जो है वो उलझ गई हैं, और वो उसको कुछ सुध-बुध नहीं है। उससे बस एक ही चीज की चिंता खाई जा रही है कि मेरा जो नायक है, मेरा जो घर का रखवाला है, मेरा रखवाला है, वो कब लौट कर मेरे पास आएगा। तो ये जो प्रेम है, ये जो अपने आप में खिंचाव लगाव सबके बीच में लाने का एक जरिया है, वो लोग मिल रहे हैं। और आइए इस लोकनृत्य के माध्यम से नायिका के हृदय के जो भाव है वो देखते हैं, उसके जो तकलीफें हैं, उसकी जो पीड़ा है, वो सुनते हैं, समझते हैं। प्रस्तुत होने जा रहा है टूटी बाजू बदली। जब आस बढ़ गई तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो मन में चलती हैं वो एक छोटे से सपने का रूप ले लेती हैं, यानी जब नायक आएगा तो क्या होगा, जब नायक आएगा तो उसे क्या लेकर आना चाहिए जिस पर नायिका का हक है, जब नायक आएगा तो नायिका के लिए चूड़ी लेकर आए, बिंदी लेकर आए, पायल लेकर आए, मिठाइयाँ लेकर आए, ये छोटी छोटी सी चीजें जो नायिका को खुश करती है, खुशी देती है। ये हमें ये बात भी बताती है कि नारी का हृदय कितना कोमल होता है, वो कितनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। आज भी हम जब घर में जाते हैं, घरों में देखते हैं, तो संसार की सारी चीज़ें घर में होने के बावजूद अगर एक छोटी सी चीज़ प्यार से कोई लेकर आके दे ले तो उसी में नारी खुश हो जाती है। कहते हैं कि महिलाएँ घर की धुरी होती हैं, घर की सारी ऊर्जा, घर का सारा प्यार उसी पर केंद्रित होता है, और जब उनका मन इतना सहज, इतना सरल हो, जो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाए, तो मानिए कि दुनिया में, समाज में खुशी बिखेरना कितना आसान है। खुशी वो जिसे देने के लिए हमें अपनी जेब से एक रुपये नहीं खर्च करने पड़ते, बस दिल बड़ा रखना होता है। आइए आज के अगले लोकनृत्य में इसी झलक को एक बार देखते हैं, जहाँ पे बन्नी बन्ने को बुलाती है कि बनवाली, और वो कहती है कि जब तुम आओगे शहर से तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आना जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो प्रस्तुत होने जा रहा है लोकनृत्य, और मैं आप सभी को बता दूँ मंच पर आप देख रहे हैं कलाकारों को, जिनका नाम है सुश्री प्रियंका यादव, सुश्री प्रियंबदा तिवारी पौड्याल, सुश्री ऋचा पांडे, सुश्री सारिका स्वरूप एवं सुश्री अनुराधा कुमारी।
जद्दोजहद, कितना संतुलन, कितना दिमाग, सब कुछ। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप इतनी देर हमारे साथ हैं, दो मिनट और रहें, आपके बीच आपके साथ में आप ही के कलाकारों का सम्मान होगा और आपकी तालियां उनका मानवर्धन करेंगी। मैं अनुरोध करता हूँ उपायुक्त महोदय से श्री दिलीप कुमार सोनकर जी से कि आप मंच पर आए एवं कलाकारों का सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी से, आप भी मंच पर आए। सरस मेला 2021 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित प्रतिवर्ष के भारतीय इस वर्ष की सरस मेला जो कि 22 फरवरी से आयोजित है, आगामी 3 मार्च तक आयोजित रहेगा और प्रतिदिन शाम को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कला संस्कृति एवं कलाकारों को सम्मानित करेंगे, उनकी कला को देखेंगे एवं उनकी कला को नमन करेंगे। इसी कड़ी में आज 25 फरवरी की शाम हम लोक नृत्य की प्रस्तुति देख रहे हैं। राहुल सर्टिफिकेट, राहुल सर्टिफिकेट है भाई? है है। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम को 5:30 बजे इसी मंच पर आपके साथ आपके बीच होंगे, कल हमारे बीच होंगे दो विख्यात बिरहा गायक कलाकार श्री विष्णु यादव जी और श्री जवाहरलाल जी। कर लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।